बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। जुनैद है मेरा नाम और आपको हमेशा की तरह हर खबर से अवगत कराना है मेरा काम। समनापुर विकासखंड के अंतर्गत दीवारी रेत खदान एक में पोकलेन मशीन से अंधाधुंध अवैध खनन जारी, अधिकारी मौन। डिंडोरी से खनिज विभाग के अधिकारियों और रेत ठेकेदार की जुगलबंदी हमेशा सुर्खियों में रहती है। बात चाहे ठेकेदार द्वारा 500 ट्रॉली रेत अवैध तरीके से भंडारण करने के मामले में पर्दा डालते हुए ठेकेदार को लाभान्वित करने का हो, या फिर अनुबंध के विपरीत स्वीकृत क्षेत्र से बाहर से रेत खनन का मामला हो, खनिज विभाग के अधिकारी हमेशा मेहरबान नजर आते हैं। कम को मोहनिया के देवारी रेत खदान ठेकेदार की मनमानी। अटूट खनन संपदा से भरे पड़े आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में सरकारी हुक्मरानों की हिला हवाली और संलिप्तता के चलते खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि शासन प्रशासन के नियम निर्देश भी इनके आगे बेअसर हो चले हैं। नतीजतन ये बेखौफ हो नियमों से परे जिले की खनिज संपदा का अवैध तरीके से दोहन कर राज्य सरकार को सालाना करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। ज्ञान हो कि नवागत कलेक्टर के आगे रेत कारोबारी की दाल नहीं गली और 26 मार्च से प्रायः सभी खदानें बंद पड़ी थी, लेकिन रविवार के दिन डिंडौरी जिले की समनापुर दीवारी एक रेत खदान से कारोबारी के गुर्गों ने रेत के अवैध कारोबार का आगाज एक बार फिर कर दिया और दीवारी एक में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मशीनों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग के संज्ञान में भी है। अब देखना यह है कि उक्त जानकारी के बाद विभागीय अमला उक्त मामले में क्या कार्रवाई करता है। दोस्तों, इसी तरह की अपने आसपास की और देश और दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।